अगली खबर कोरोना से जुड़ी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी अब कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। रेणुका सिंह की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दरअसल लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है और संसद सत्र शुरू होने के दो दिन पहले देश भर के सांसदों को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया था और उन सभी की कोरोना संक्रमण की जांच की गई थी। इस दौरान ही छत्तीसगढ़ से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की रिपोर्ट जब आई तो वो कोरोना संक्रमित निकली है। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, कोरोना अब किसी को छोड़ नहीं रहा है। सुहेल, चाहे आम हो चाहे खास, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से सरगुजा सांसद जो है रेणुका सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री है वो यहाँ पर कोरोना संक्रमित हुई है। दरअसल संसद सत्र शुरू होने से दो दिन पहले सभी सांसदों को इसीलिए बुलाया गया था कि उनका टेस्ट करवाया जाए और टेस्ट के बाद जो अगर नेगेटिव आते हैं उनको ही अंदर प्रवेश मिलेगा। तो ये टेस्ट हुए थे और टेस्ट के बाद रेणुका सिंह पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद अब उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनका कहना है कि वो वहीं पर फिलहाल अभी आइसोलेट रहेंगी जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है। तो उनका अभी फिलहाल संसद में प्रवेश नहीं हो पाएगा और ये छत्तीसगढ़ से पहली सांसद हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खबर हम तक पहुंचाने के लिए।